हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शशि। आज हम सूजी का चीरा बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही फास्ट रेसिपी है। सो हमने पैन गरम कर लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, पूरे ऑयल से स्पैड कर देंगे। और सूजी में हमने दही और थोड़ा सा पानी डाल के इस टेक्सचर में इसको 10 मिनट के लिए पहले से रखा हुआ है। हम इसको सीधा पैन पे डाल देंगे। थोड़ा सा इसको फैलाएंगे, बहुत थोड़ा सा, लाइक डोसे से थोड़ा सा मोटा होगा ये। उसके बाद इसको हम धीमा कर देंगे। उसमें हम थोड़ी सी प्याज स्प्रिंकल करेंगे। इसमें हमने नमक पहले से ऐड करा हुआ है। प्याज डालिए, थोड़े से टमाटोज और ग्रीन चिली। 2 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। 1 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया था, जिससे ये पक चुका है। अब हम इसको दूसरे साइड से भी पका लेते हैं। हमने थोड़ा दही डाला था तो उसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आता है, वही ज़्यादा इसमें खाने में अच्छा लगता है। गोल्डन ब्राउन हो गया, दूसरे साइड से भी हम इसको थोड़ा पका लेंगे। इसके बाद ये एकदम क्रिस्पी सा खाने के लिए रेडी होता है। इसको हरे धनिया की चटनी के साथ या लाल टमाटर की चटनी के साथ, मीठी खट्टी, जैसे आपको अच्छे लगे आप खा सकते हैं। और ये पक चुका है, इस साइड से भी देख लेते हैं। वेजीज अच्छे से पक चुकी है, तो अब इसे हम रेड सॉस के साथ सर्व करेंगे, टमाटो सॉस। देखिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसको खाइए, ट्राई करके बताइए कैसा लगा।